बेटियां भगवान होती हैं। दादाजी सरकार जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? भाई आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मेरा सुबह का काम पूरा फिनिश हो गया और आज है अष्टमी, तो आज फास्ट है मेरा। तो प्रसाद में देखते हैं कुछ बनाते हैं, खीर या हलवा कुछ बनाएंगे और बना के फिर उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। और बस नॉर्मल सी पूजा, जैसे आपको पता मेरी होती है, पर क्या नवरात्रि चल रही ना, तो कहीं आना कहीं जाना कहीं मतलब ये सब भी होता रहता है। क्योंकि मेरे जो है मतलब मोहल्ले में सोसाइटी में मूर्ति रखी हुई है और वहाँ भी जाना पड़ता है। तो पड़ता क्या मतलब मैं खुद जाती हूँ, अच्छा लगता है, माँ के दर्शन करने जाती हूँ। पड़ता नहीं, सॉरी गलत वर्ड निकल गया था। तो अभी फटाफट से काम कर लेती हूँ और देखते हैं, फटाफट से बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और क्या बनते हैं, बस हलवा या पूरी या फिर खीर पूरी बनाते हैं फटाफट से। चलिए देखते हैं किचन में क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई हूँ। शाम को मैंने दूध लेकर रख लिया था, उसको मैं एक बार फिर से उबालूंगी। और यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिया था, तो मैं बना रही हूँ खीर पूड़ी, बनाऊंगी माँ के भोग के लिए। और यहाँ पे मैं घी ले ली हूँ और उसमें मैं पहले चावल जो भीगे हुए चावल होते हैं उनको घी में भूनते हैं। तो अगर ये खीर आप मतलब चावल घी में भून के बनाओ ना, तो बहुत टेस्टी खीर बनती है। और मैं हरदम ऐसे ही बनाती हूँ और मेरे घर में भी ऐसे ही बनती, तो मैं अभी भी खीर ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरा मिल्कमैन भी आ गया था, मतलब दूध आ गया था दूसरा भी, तो उसको भी मैंने ले लिया है। और उसको भी साथ ही तुरंत ही मैं बॉईल करके रख देती हूँ, नहीं भूल भाल जाओ तो ख़राब हो जाता है। और वहाँ पे दूसरे भगोने में मैंने दूध चढ़ा रखा था और वो बॉईल हो गया, तो उसमें मैं अब सारे चावल डाल दूँगी और इसमें चीनी वगैरह भी कुछ नहीं डालूँगी। जब चावल यानी कि खीर पक जाएगी तो लास्ट में चीनी डालूँगी, नहीं पहले चीनी डालने से क्या होता है चावल ऐंठ जाते हैं और पकते नहीं अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए बेटे से तोड़वा रही थी फूल, तो ये मैं घर के अंदर बाउंड्री के अंदर ही गुड़हल ये लगा रखा, और इसके बहुत बड़े 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 सुंदर फूल होते हैं। तो इस समय ना इसकी डाली ऊपर चली गई हैं, तो ये ज़्यादा ऊपर खिलते हैं और नीचे से मिलते हैं। तो मैं बेटे की बोली कि तोड़ दो, तो वो नीचे से तोड़ रहा था और उसने डाल भी एक तोड़ दिया, तो मैं उसको गुस्सा भी बहुत की। फिर उसके बाद वो ऊपर गया है, ऊपर जाके वो दूसरे फूल तोड़ रहा है और मैं ये डाल निकाल रही हूँ इससे, तो पर निकल नहीं रही, तो मुझे कैंची ला के बाद में कट करनी पड़ी। उसके बाद भी बेटा ने बाउंड्री पे चढ़ के जितने भी फूल लगे थे वो तोड़ दिया एक फूल छोड़ के। कहते हैं पेड़ को कभी भी बिल्कुल खाली नहीं करना चाहिए, एक फूल उसमें रहने देना चाहिए, तो मैंने भी रहने दिया। और अभी यहाँ पे खीर पक गई तब तक मेरी, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट, चीनी और इलायची पाउडर सब डाल के इसको अभी और पकाऊंगी। तो खीर बनकर लगभग मेरी रेडी हो गई है और दूध भी मैंने सारे पका लिए। अब बना लेती हूँ पूड़ियाँ। तो मैंने माताजी के लिए भी पूड़ी अलग बनाई थी, साथ ही बच्चों के लिए भी खाने के बना के रख दिया था। उसके बाद मैं पूजा करने बैठूंगी क्योंकि टाइम लग जाता है कुछ और बच्चों की फिर भूख लगती है। यहाँ पे मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है और कंप्लीट कर दिया पूजा, जो भी जैसे होती है हवन किया क्योंकि फास्ट था आज मेरा। और ना इस बार पता नहीं क्या हुआ, जौ खराब थे कैसे क्या हुआ, मेरे जौ जगे ही नहीं ऐसे। मेरा मतलब इतना बड़ा बड़ा जौ होता था कि कलश मेरा नहीं दिखता था, पर इस बार नहीं जगा और मुझे बहुत बुरा लगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। लास्ट में मैं कर लूँगी हवन और आरती, तो फास्ट है और माँ के 9 दिन भी कंप्लीट होने वाले हैं, कल है 9वीं। अब ऐसे ऐसे नवरात्र ख़त्म हो चुकी है, पर मेरा वीडियो थोड़ा लेट ही आ रहा है, तो इसलिए सॉरी, क्योंकि एडिटिंग करने की वजह से मेरा वीडियो डालने को रह जाता है और मैं इस समय मतलब नवरात्रों की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, तो एडिटिंग हो ही नहीं पाती है। बना लेती हूँ अपना ब्रश का नाश्ता। यहाँ पर मैंने लिया है काजू, बादाम, थोड़े से मूँगफली के दाने और मखाने, तो इनको मैं घी डाल के फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। और इसमें मैं सिर्फ डालूँगी फास्ट वाला मतलब सेंधा नमक,
और मिर्ची उर्ची मैंने कुछ नहीं डाला है, कड़ी पत्ता वगैरह कुछ नहीं डाला है, ऐसे डालती पर कभी आज ब्रदर मैं ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तक खाऊंगी। और उधर पक रही है मेरी चाय, इधर मेरा नाश्ता। बनकर रेडी हो गया है, अभी मैं पी लेती हूँ चाय और नाश्ता कर लूँगी। मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रखा है। अष्टमी वैसे तो 2 दिन की है, पता नहीं कब कब व्रत है। कल तो नवमी है, अष्टमी और नवमी, आज कल नवमी दशहरा लगेगा, तो मैं तो आज ही हूँ व्रत क्योंकि आज ही लग रही है अष्टमी। चलिए मेरा नाश्ता रेडी कर लेते। व्रत से ज़्यादा कुछ किया नहीं था, जो भी किया था वो रिकॉर्ड भी नहीं किया है मैंने। मैं सीधे मिल रही हूँ शाम को। तो हेलो दोस्तों, अभी बज गए हैं 9:15 हो गया और हम जा रहे हैं और गेट बंद कर लगा के माता रानी के दर्शन करने। हमारे मोहल्ले में मतलब माता रानी की मूर्ति रखकर स्थापित है, तो अभी मैं गई नहीं हूँ, कई दिन हो गए हैं। आज मैं जा रही हूँ दर्शन करने, दर्शन करके आती हूँ। बाहर बहुत अंधेरा है, बंद कर लो गेट। आ गए हैं और चलिए दिखाते हैं माता रानी को। तो यहाँ पे मैं भी जो है मतलब जो भी आरती करना चाहता है माता रानी के सब करता, तो मैं भी जब गई तो फिर चढ़ावड़ा जो चढ़ाना था वो चढ़ाई, आरती वगैरह की, पूजा की। और अच्छा लगता है यार जब इतने बड़े मात के दरबार में आप पूजा करते हो, मन को शांति मिलती है। जो आप टेंशन में या फिर कुछ भी रहते हो, आपको काफ़ी ऊर्जा मिलती है इन सब चीज़ों से। आपके मन में जो निगेटिव विचार होते हैं वो पॉजिटिव में चेंज होते हैं, तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और मतलब यहाँ पे कार्यक्रम भी थे, जो है गायक वगैरह थे जो पूरी रात जगराते होते हैं, तो हम लोगों ने काफी देर बैठ के उसको भी सुना, बहुत अच्छा गा रहे थे, अच्छा लग रहा था। बेटियाँ भाग्यवान होती हैं, मम्मी की जान पापा की शान, दुर्गा समान होती हैं। बेटियाँ भाग्यवान होती, मम्मी की जान पापा की शान, लक्ष्मी समान होती हैं। बेटियाँ भाग्यवान होती हैं, बेटियाँ भाग्यवान होती हैं।
बेटियां भाग्यवान होती है। अच्छा बेटियां भाग्यशाली होती है तो बेटे क्या होते हैं इसका उत्तर किस्मती है घर में उनके खुश किस्मती है घर में उनके ये दान की पहचान होती है ये दान की पहचान होती है मम्मी की जान बाबा की शान लक्ष्मी समान होती है भाग्यवान होती है बेटियां भाग्यवान होती है तुम्हें घर सुना सुना दे दिन है घर सुना सुना दिन से महके है कौन दोना दिन से महके है कौन दोना ये बेटों के समान होती है ये बेटों के समान होती है मम्मी की जान पापा की शान ममता की जान होती है ओ बेटियां भाग्यवान होती है बेटियां भाग्यवान होती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने वीडियो को जरूर इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। जो लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो करें।